वार्ड नंबर 48 के कॉरपोरेटर श्यामलाल बसन ने बागेबहू चौक में टारगेटिंग किलिंग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। उनका ये कहना था कि जिस तरह से कश्मीर में लगातार अल्पसंख्यकों की हत्या की जा रही है, इसकी वे कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे लोगों को सरकार की तरफ से सुरक्षा प्रदान करवाई जानी चाहिए, ताकि इस तरह की वारदात को फिर अंजाम ना दिया जा सके। और उन परिवारों के लिए उनको 40-40 लाख और एक एक घर को नौकरी मिलनी चाहिए, चाहे वो सुपिंदर कौर की बात हो या दीपक मेहरा की बात हो, इन परिवारों के लिए। और सबसे बड़ी बात, इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी, जो हमारे मुलाजम पलायन कर रहे हैं, हमारे कश्मीरी पंथ वहाँ पलायन कर रहे हैं, लोग नौकरियां छोड़ के वहाँ से आ रहे हैं, उन लोगों के लिए एलजी साहब के पास क्या प्लान है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के पास क्या प्लान है, मैं ये पूछना चाहूँगा। आज उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है। आज 5 हमारे फौजी चिपनेर गांव में सुरकोट के अंदर शहीद हो गए हैं। हम छत छत नमन करते हैं उन शहीदों को, जो हमारी रक्षा करते हुए हमारे लिए जो शहीदी जिन्होंने पाई, हम उनको आज दिन उनको भी हम छत छत नमन करते हैं।